यूपी के रामपुर में उपचुनाव में चुनाव लड़ रहे भाजपा प्रत्याशी भारत भूषण गुप्ता के समर्थन में वोट मांगने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रामपुर में विजय संकल्प जनसभा को संबोधित किया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मन से रामपुर की जनता से कहा कि आप चिंता मत कीजिए, सुरक्षा और विकास की जिम्मेदारी हमारी होगी, यह कार्य हमारी सरकार करेगी। बिना भेदभाव के विकास किया गया है, बिना भेदभाव के शासन की योजनाएं आप तक पहुंचाई गई हैं, और भी योजनाएं आप तक आगे भी पहुंचाई जाएंगी। इसको और तेज पहुंचने के लिए आवश्यकता है कि आपकी आवाज दिल्ली लखनऊ पहुंचे। यह परिवर्तनवाद, यह जातिवाद और महजब के नाम पर विभाजन की कार्रवाई आने वाली पीढ़ी के लिए बाधित है, और हम इस परिवारवाद और विभाजन की लड़ाई को खत्म करेंगे। वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामपुर में मंच में आजम खान का बिना नाम लिए कहा कि यहाँ के गरीबों की जमीनें हड़पने वाला नहीं और यहाँ पर भय का माहौल बनाकर लूटने वाला नहीं, यहाँ पर अराजकता और गुंडागर्दी के नाम पर शासन की योजनाओं पर डकैती डालने वाला नहीं, बल्कि सरकार की योजनाओं को धरातल पर गरीबों और किसानों को दिला सके वो इंसान चुनने का काम करें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मन से कहा कि हमने बिना भेदभाव के प्रदेश के अंदर 2,25,000 सरकारी नौकरियां नौजवानों को बिना रिश्वत लिए दी हैं, कोई व्यक्ति नहीं कह सकता। अगर किसी भी व्यक्ति ने पैसे लेने का दुस्साहस किया हो तो हमारी सरकार ने उसे जेल भेजने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जब प्रदेश में सपा बसपा की सरकारें होती थी गरीबों को राशन नहीं मिलता था, आज हमने गरीबों को मशीनों द्वारा राशन देने का भी काम किया है। आप चिंता मत करिए, सुरक्षा और विकास की जिम्मेदारी हमारी, ये कार्य हमारी सरकार करेगी। बिना भेदभाव के विकास किया गया है, बिना भेदभाव के शासन की योजनाएं अब तक पहुंचाई गई हैं, और बिना भेदभाव के योजनाएं आगे भी चलेंगी। लेकिन इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है आपकी आवाज लखनऊ और दिल्ली तक पहुंचे। ये परिवारवाद, ये जातिवाद, ये मत और मजहब के आधार पर विभाजन की कार्रवाई, यह न केवल विकास के लिए, आने वाली पीढ़ी के भविष्य में भी बाधक है, उनके विकास में भी बाधक है। और इस परिवारवाद की राजनीति को हमेशा के लिए समाप्त करिए। यही अपील करने के लिए मैं आज आपके पास आया हूं कि रामपुर को उसकी पहचान दिलाने के लिए आवश्यक है कि रामपुर से चुना गया प्रतिनिधि वास्तव में जनता के बीच का व्यक्ति हो, जिसे एक सामान्य व्यक्ति के साथ हाथ मिलाने में परहेज होता हो, जिसे एक सामान्य व्यक्ति से बात करने में परहेज होती हो, जिसे एक सामान्य व्यक्ति के साथ कार्य करने में परहेज हो। उन लोगों को सार्वजनिक जीवन में नहीं आना चाहिए, कभी नहीं आना चाहिए। आम जन की आवाज के लिए कार्य करने वाला व्यक्ति, ईमानदारी के साथ योजनाओं का लाभ नागरिकों को देने वाला व्यक्ति, और ईमानदारी के साथ हर एक व्यक्ति के सम्मान की रक्षा के लिए कार्य करने वाला व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में होना चाहिए। यहाँ के गरीबों की जमीनों को हड़पने वाला व्यक्ति नहीं, यहाँ पर भय और दहशत का माहौल पैदा करने वाला व्यक्ति नहीं, यहाँ पर अराजकता और गुंडागर्दी के नाम पर शासन की योजनाओं को जबरन डकैती डालने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि विकास की योजनाओं को जमीनी धरातल पर ले जाकर के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बिना भेदभाव के योजनाओं के साथ जोड़ने के लिए कार्य करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, और यही अपील करने के लिए हम सब आपके बीच आए हैं। किसी का मत और मजहब देख करके प्रवेश कराया है नहीं। प्रदेश के अंदर नौकरियां 2,25,000 नौजवानों को हमने अब तक सरकारी नौकरी दी है, और कोई नहीं कह सकता कि किसी भी नौकरी में किसी भी व्यक्ति से कहीं भी कोई पैसा लिया गया हो, और अगर किसी ने दुस्साहस किया तो उस बेमान और भ्रष्ट व्यक्ति को जेल के अंदर भेजने का कार्य भी हमारी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, इसी प्रदेश में सपा और बसपा की सरकारें हुआ करती थी, गरीबों को राशन नहीं मिलता था, लोग परेशान होते थे। आज हमने ई पॉस मशीन दे दी है, आज हर गरीब को एक सुविधा देती है, वे किसी भी दुकान में जाकर के अपना खाद्यान्न ले सकता है, और हर एक गरीब को खाद्यान्न की सुरक्षा की गारंटी मिलेगी।
ये कार्य सरकार का नहीं है। यही अपील करने के लिए हम लोग आपके बीच आए हैं भाइयों बहनों। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में हमने प्रदेश के परंपरागत उत्पाद को पहचान दी, इससे जुड़े हुए उद्यमियों को प्रोत्साहन दिया, आर्थिक स्वावलंबन के लिए उनके लिए तमाम योजनाओं को लागू किया और आज उसी का परिणाम है कि रामपुर का चाकू एक बार पुनः देश और दुनिया के अंदर सिर चढ़ करके बोलेगा, लोगों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में योगदान देगा। लेकिन भाइयों बहनों याद रखना, तलवार अगर पात्र व्यक्ति के हाथ में होगा तो वह गरीबों की जमीन को हड़पने का कार्य करेगा। ये तलवार अगर किसी गलत व्यक्ति के हाथों में होगा तो वह गरीबों के हक पर जबरदस्ती डकैती डालने का कार्य करेगा। अगर ये तलवार गलत हाथों में होगी तो फिर यह तलवार लोगों के हक पर छीना झपटी करने का कार्य करेगी। ये तलवार अपात्र लोगों के हाथों में होगी तो फिर यह चाकू वहां पर लूट खसोट और भ्रष्टाचार का जरिया बन जाएगा। लेकिन यही तलवार और यही चाकू जब पात्रों के हाथों में होगी तो यह सुरक्षा का कार्य करेगी और समृद्धि को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। और रामपुर वासियों से मैं इसी सुरक्षा और समृद्धि के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन की अपील करने के लिए आया। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।